कहते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ द स्किल्स। जिस चीज का हम बार बार रिपीट करते रहते हैं उसी चीज की आइडेंटिटी हमारी बन जाती है और हम वैसे होते जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है। आई एम ए लाइफ कोच एंड द वेलनेस कोच। दोस्तों, एक बार की बात है, फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था एमाइल गोए, और उसके पास लाखों मरीज पूरी दुनिया से उसके पास जाते थे और वहां जाकर को सही हो जाते थे। लेकिन उसका इलाज बहुत सिंपल था। वो सिर्फ मरीज से ये कहता था कि आप अपने आप से बोलते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जब सुबह उठो तब बोलो, जब शाम को सोने जाओ तब बोलो, जब दोनों में याद आ जाए तो बोलो। क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि 10% केवल दवा आपके काम करती है, लेकिन 90% उस चीज की रिपीटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही होती है। क्योंकि जब आप दवा लेते हो तो आप दिन में 3-4 बार दवा लेते हो। जब दवा ले रहे होते हो तो मन में एक फीलिंग आती है, ये एक भाव आता है कि अब मुझे ठीक दवा मिल गई है और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, और आपके साथ वैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिस चीज का हम बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं, हमारा माइंड उस चीज को बार बार सोक करता रहता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज सोक हो रही होती है तो उसकी एक लीक बन जाती है, और उसी लीक को हम लोग न्यूरल पाथवे बोलते हैं, उसी लीक को हम सुपर हाईवे बोलते हैं, और वही आइडेंटिटी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और जैसी आपकी आइडेंटिटी होती है वैसे ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही थॉट आना शुरू हो जाते हैं, वैसे लोगों के साथ आपका एनवायरमेंट बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही आपके एक्शन होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या किसी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं, तो आप पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी फीलिंग के साथ आप अपने आप से बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इवन साइकोलॉजी ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि जिस चीज़ आप अगर ये बार बार बोलते रहते हैं तो आपको गंभीर से गंभीर कैंसर जैसी बीमारियाँ आप सही भी हो सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को मानते हैं कि मेरी आइडेंटिटी अभी उस तरीके की नहीं, आप ये मानते हैं कि मैं उस तरीके का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आप बस अपने आप से बोलिए कि आई एम द यूनिक स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स। आप देखिए कि एक हफ्ते बाद आपके अंदर क्या परफॉर्म चेंज आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं उसी तरीके से आप बोलना शुरू कर दीजिए, उसी तरीके फीलिंग के साथ आप बोलना शुरू कर दीजिए। दिन में बोलिए, शाम बोलिए, जितनी बार हो सकते उतनी बार रिपीट करिए, देखिए आपकी लाइफ में और रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप परेशान हैं किसी बीमारी से, किसी भी और चीज़ों से परेशान हैं, तो आप बोलें कि आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी। तो दोस्तों, इस टेक्निक को आप एक हफ्ते तक करिए, देखिए कि आपकी लाइफ में एक अमेजिंग चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके पास खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, आपके एक्शंस बदलना शुरू हो जाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो उन सारे लोगों को ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल पाए, और सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकॉन ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन अपना ध्यान रखो। थैंक यू। नमस्कार।